है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। मदनगंज किशनगढ़, श्रीमती शशि जैन, पुष्पक रेस्टोरेंट इंदौर, श्री चक्रेश जी जैन दिल्ली, इसी के साथ में ब्रह्मचारी पुष्पेन जैन ललितपुर, ब्रह्मचारी राहुल जैन मालपुरा राजस्थान, शोभा काले पूना, श्रीमती शोभा काले पूना दसपुआस, मनोज मोदी, श्री मनोज मोदी बाकल, श्रीमती सारिका बरजात्या भीलवाड़ा, श्री नंदलाल जी पाटनी भीलवाड़ा पांच उपवास, श्री रतनलाल जी दगड़ा किशनगंज 16 उपवास, श्री राकेश जी पहाड़िया किशनगढ़, श्री मुकेश जी जैन जबलपुर और श्री पंकज जी जैन उदयपुर, इन सभी ने श्री सुमत जी जैन अजमेर, श्री चिंदी सेठी खिलकिया जी खिलकिया, श्रीमती चिंदी सेठी खिलकिया, बोलिए। ऐसे 30 लोगों के नाम आ गए जिन्होंने 10 उपवास यहाँ पर आचार्य भगवान की छत्रछाया में किए। सब लोग हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए सब लोग। पूज आचार्य भगवान के भवन चरणों में नमोस्तु करते हुए मंगल दर्शन के लिए हम निवेदन करते हैं, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की, कभी कभी सत्य को पहले रखते हैं और बाद में संयम को रखते हैं। संयम के बारे में भी व्याख्यान किया जा रहा पहले और कभी कभी बाद में भी किया जाता, और कभी कभी यदि तिथि बढ़ जाती है तो कभी कभी संयम के दिन दो दो बार भी हो जाते। इस प्रकार ये पर्व के दिनों में क्रम हमारे सामने आ जाते, कभी घट भी जाती हैं तिथियाँ और उसी में बढ़ भी जाती, बढ़ जाने से थोड़ी बहुत आकुलता आप लोगों को अवश्य हो सकती है। एक और दिन बढ़ गया, हम सोच रहे थे एक दिन घट जाए तो और अच्छा। जैसे आप चाहो वैसे आप कर सकते हो। संयम अपने जीवन में बहुत कम मिला करता है, चारों गतियों में असंयम के तो भरमार। जैसे नदियां पूर आती है तो बाढ़ आने की खतरा और ज्यादा बढ़ जाता। हम लोगों के जीवन के वेग भी ऐसे रहते हैं, जिन वेगों को हम अपने भावों के माध्यम से संभाल नहीं पाते, बाद में पश्चाताप भी करते हैं। वो तो एक प्रकार से कई लोग इस पश्चाताप को ज्यादा महत्व इसलिए नहीं देते हैं, ये तो पश्चाताप के भी दो तीन बार हो जाते हैं ना, तो अपने आप वह भी एक
उसको क्या बोलते हैं आप, रूटीन, वह एक प्रकार से पुनरावृत्ति में आ करके फिर तो क्षमा चाहते हैं साहब, क्षमा चाहते हैं, बस इस प्रकार कह देते हैं तो वह हो जाता है। लेकिन इसका जो महत्व लोग समझते हैं वो इसमें अपने आँखों में पानी लाते हैं। बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो अपने असंयम के वो देख करके आँखों में पानी लाते हैं। हमारे सामने बिंब है, संयम की मूर्ति मानी जाती है, उनके सामने जा करके बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन भीतर से वह वेग अभी तक शांत क्यों नहीं हुआ इसके बारे में बार बार सोचा जाता। यह हमें ज्ञात नहीं रहता है कि प्रत्येक समय में भिन्न भिन्न असंयम के परिणामों के निष्पादक अपने कर्म के उदय में भाव हुआ करते। ये समझ में आने के उपरांत तब उसे एक प्रकार से रुकने का भाव हो जाता है, ये कौन सा ऐसा है जिसके कारण मैं चाहता हुआ भी वो वेग क्यों नहीं रुकता। एक बार वेग के बारे में ही सोचता रहा, किंतु ये वेग किस किस को नहीं आते इसका समझना बहुत कठिन हो गया। हम अपने ही सोचते हैं तो कभी कभी अपने आप ही वह बन जाता है और कभी कभी वह बना हुआ भी बिगड़ जाता। अब ये बिगड़ता क्यों है और वो अपने आप क्यों होता है, तो कई लोग इसके बारे में भी सोच सकते हैं, संयम यह एक प्रकार से हम बुद्धिपूर्वक जितने करना चाहते हैं उतने हमारे हाथ से वो छूटता चला जाता। यह है प्राय करके सब लोगों का विचार हमेशा हमेशा आता रहता है और इसके बारे में भी मैं सोचता रहता हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि हम जानते हैं क्यों होता कैसा होता, इसलिए भी वो लोग इसका महत्व एक प्रकार से भूल ही जाते हैं, क्योंकि समझ में आने के उपरांत कभी कभी हम ठीक कर लेंगे। ध्यान रहे, ऐसे कहने वालों की पंक्ति भी बहुत लंबी चौड़ी है, आज तक नहीं कर पाए। हमारा अतीत असंयम से ही भरा हुआ है, भरा हुआ का अर्थ पूर्ण वही है, ऐसे कहने में कोई बाधा नहीं आती। तीन गतियों में तो अशुभ अशुभ ही है और वह असंयम ही है। मनुष्य गति को छोड़ करके बाकी तीनों गतियों में असंयम रहे, ये कह सकते हैं आप। उसमें त्रिंच में चूंकि संयमा संयम रहता है, आचार्यों ने कई स्थानों पर उल्लेख किया है, संयमा संयम के साथ भी असंयम बना हुआ रहता है, वो हमारे दिमाग में नहीं आ पाता। इसी प्रकार संयमी के सामने भी कई ऐसी घड़ियां आती हैं, वो समझते हैं कि मैं अपने आप ब्रेक लगा लूंगा, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो जिस समय लगाना आवश्यक है उस समय जब ब्रेक नहीं। अब दो ही तो साधन है,
थोड़े से मुस्कान तो ले महाराज, कहें मुस्कान के स्थान पर और भी कुछ आ सकता रहे या ना रहे, दुखता तो है, इसमें व्यवस्थापक कौन है? ये तो तीन लोग के नाम जानते हैं, हमें से क्या मतलब, बन रहा है ये क्या, हमें बताओ। आप लोग समझ तो सकते हैं महाराज, सब समझ रहे हैं। तो तीर्थंकर भी इसके बारे में सोचा हो, लेकिन वो किसी भी प्रकार से बोलना नहीं, तो बोलना नहीं। ऐसे भी मुनि महाराज हो सकते हैं, इस वचनावली से बचने के लिए मुनि दीक्षा लेते हैं, अंतिम क्षण तक मौन भी रह सकते हैं, मगर बाकी जितने भी कार्य है वह अपने ढंग से करते रहते हैं, किंतु आंखें उठा करके कुछ नहीं, उत्तर देने के भाव ही नहीं कर सकते वो, उनको समय भी नहीं। प्रतिकार की बात ही नहीं है, प्रतिकार में अवश्य ही संयम को गौण किया जा सकता है। प्रतिकार कितने अनुपात से आ रहा है हम कह नहीं सकते, बुद्धिपूर्वक यदि मान लो गेंद वगैरह फेंकते हैं, वो फेंकने वाला कहां पर उसको पटकना चाहता है, वह गिरने से ही ज्ञात हो जाता, अरे इन्होंने निशाना तो ये बना साधी। इसी प्रकार वह वचनावली एकदम बाढ़ आती, उसमें वह उस पेपर से वंचित होता, उस उत्तर को उत्तर रख लो, जल्दी में यदि दूसरा उत्तर लिख आए तो अपने नंबर और चला गया, आता होगा लेकिन सही को छोड़ करके गलत जिसको याद भी नहीं किया था वो कैसा आ गया, इसी को बोलते हैं बाढ़। बाढ़ में एक प्रकार से छना हुआ पानी नहीं आता, कीचड़दार आता, तो इसको वो देख करके अपने आप को समझते हैं नहीं, इस बाढ़ में तैराक भी फेंक, तैरना बहुत दिन से सीख रखती लेकिन तैर नहीं सकता, क्योंकि बाढ़ में तो बहना बहना ही नहीं, डूब जाना, और कहां पर नीचे ले जाकर के पानी उसको ऊपर लाते ये पता नहीं, यह उसका नियम वेग। तो वेग को यदि आप रखना चाहते हो कुशलता करो, क्या नियंत्रण के माध्यम से हम उस वेग को भी ऐसा संयत बना सकते हैं जो संवेग है, निर्वेग है, उद्वेग भी तो है महाराज, उद्वेग थे तो करने वालों को भी और सामने वालों को भी अच्छा नहीं लगता, ये अभी भी आपको उद्वेग आता है, ये आपके देखो ये शब्दों की अब पहचान तो कर लो,
अरे यह तो आपको शोभा नहीं देते, बस क्या हो गया, गाड़ी पंचर हो गई, सबके सामने ये कर दिया, यह तो आपके लिए शोभा नहीं देती, मैं तो खो गया। आपके मुख से ऐसा शब्द निकला, आपके स्थान में और कोई आ गया होगा। हाँ आ तो गया, तभी आपके उपस्थिति में ऐसा अभी तक नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं होता कि आए। शोभा नहीं देती, ये आज तक जितनी भी शोभा थी उसको एक बार बांध बूंद करके फेंक दी गई। अब उसको इतना पश्चाताप हो रहा, प्रतिक्रमण करने वाला व्यक्ति ऐसा ही करता। अंतो अंतो दज्जमी पच्छतावेन वेदन्तो, पश्चाताप की अग्नि में झुलसता हुआ वह संयमी बाद में झुलस रहा है। पहले तो सुलगा दी आग को, फिर बाद में वो पानी लाने के लिए गया गया। आग लगने के ऊपर बाद में बुझाने के लिए पानी ले जाने के लिए जाना तो फिर भी ठीक है, कोई कुआं ही खोदने लगा। दिमाग में बात नहीं आती। हाँ अब ये खत्म करने वाला कौन, असंयम। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि आप भी इस प्रकार सोच सकते हैं। अफसोस की बात है, बस ये आग और लग गई। अरे बबूल की आग ने आपने सुलगा दी, इसको तो याद नहीं कर रहे हो। अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे वचन बोल बोल करके हमारे घाव के ऊपर नमक के पानी छिड़का रहे हो। लगता है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल लगता। और वो ये आपके लिए उत्तर दे दे, हमने तो अपने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि आप भी ऐसे उत्तर दे सकते हैं मेरे लिए। आप तो क्षमा के धनी है, आज तो क्षमा को आपने बांध बूंद दिया। दुनिया तो करती है करती, लेकिन दुनिया की चपेट में आप भी आ गए। इसलिए यदि आप अपने आप को अलग शुद्ध करना चाहते हो, उससे पहले ही अलग हो जाओ। आचार्यों ने यह कहा, तो कई लोग ये भी कह सकते हैं, देखो अभी भी ये अपने अलग ही रखना चाहता है। अरे दूसरे को देख करके समता भी रखा करो, और उनके वात्सल्य भी रखना चाहिए, और उनके साथ भगवान भी रखना चाहिए, और उनके जो स्तुतिकरण भी करना चाहिए। ये परिस्थिति तो आप जानते ही नहीं है, ये आप लोगों के लिए तो शोभा नहीं देती। करें तो एक, नहीं करें तो दो। इसलिए कुछ भी कहने दीजिए, को का कहे, समझ में आ गया। कोई कुछ भी कह दे, यह भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसकी औषधि आज तक हमने तो नहीं देखी। कुछ लोगों को तो यही फिक्र रहता, कोई कुछ कह देगा तो क्या होगा, कहने वाले दस आ जाते, इसलिए हम नहीं लेना चाहते। हाँ
उत्तर देते रहो और असंयम को पालते रहो। इसी बीच में आपको कदम उठाना पड़ेगा। जब कभी भी हम एकांत मिलेगा हम अपना पालन कर लेंगे। अनेकांत हमेशा मिला है यहाँ पर। जब कभी भी आप संयम घेराव के साथ ही आपके संयम का मूल्यांकन होगा। संयम समीचीन रूप से यम मैंने तो बहुत कठोर है। काल को यम कहा गया, यमदेव काल। इसलिए काल जयी हो तो बात बने। हम कालोन याता वही में याता। हम नहीं गए किंतु हम नहीं समझे कि काल जा रहा है। अकराल विकराल ही है। काल कभी आता नहीं और काल कभी जाता नहीं, किंतु काल के पास पैर नहीं। कालश्च द्रव्य तो है वो, सुबह कहा, किंतु वह भागता नहीं। अरे काल समय कट ही नहीं रहा है, तलवार ले लो। ये तो है, हम काल को बांध करके अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। एक आध वर्ष और होता तो अच्छा होता, और अन्य तो देखते भैया इस प्रकार अपेक्षा से एक साल पहले ही चले जाता तो अच्छा होता। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ हम काल को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। बन भी सकता है वो, क्योंकि वह निष्क्रिय है और आप सक्रिय हैं। सक्रिय यदि है समय का उपयोग करके और आप अपना काम कर सकते। 3 घंटे सबके लिए समान रूप से दिए जाते हैं परीक्षा के काल में। कुछ ऐसे भी प्रतिभा संपन्न होते हैं 2 घंटे में पेपर पूरा लिख करके कहते हैं, लेकिन उठ नहीं सकते अभी। सामान्य रूप से नियम यह है, इतने समय के बाद ही आप उठ सकते, नहीं है तो उठ नहीं सकते। हम जहां कहीं भी संयम पालन करना है वहां पर पहले असंयम को सोच ले। टिकट खरीदा, रेल में यात्रा कर रहे हैं आप और रेल में चढ़ गए। अभी गाड़ी चालू हुई है, एक फर्लंग भी नहीं हुआ, क्या खेल दिया? नहीं, वो ब्रेक नहीं माना जाता। ये व्यवस्था प्रत्येक के पास दिया हुआ है। यह टिकट खरीदने के उपरांत ये अधिकार प्राप्त होता, लेकिन ये फर्लंग तो गए नहीं और अब चेन खींचने ऐसा नहीं खींच सकते। वजह से तो हम इसी को भी बना ले फिर सब लोगों के सामने उठक बैठक करो, सब लोगों के सामने और टिगुना भर ले। और गाड़ी जो है अब एकदम नहीं मिलेगी तुमको, कल सुबह या शाम तुम जो आती है ना उसमें आपको बैठना। ये दंड क्या है? काल ने दिया क्या? आपके वेग ने दिया? हाँ, तो काल में तो नहीं टिकट मिला आपको। इतने समय में आपको यात्रा करना है
ज्यादा कम बेसी कर देते हो तो इसके लिए अलग और आपको भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए संवेग और निर्वेग, जिसके पास ये है दोनों वेग, ये अपने हाथ में रह सकते। विश्व का नियंत्रण इससे किया जा सकता, लेकिन उपयोग प्रयोग अपने ऊपर किया जा सकता, दूसरे के ऊपर नहीं। इस महामंत्र के साथ ही, महामंत्र नहीं भी आता तो कोई बाधा नहीं, लेकिन संवेग और निर्वेग को यदि भूल जाओगे तो मोक्ष मार्ग में आपका कोई प्रवेश ही नहीं होगा। सब एक कहा तो ये तो अच्छा नहीं कहा, इसलिए अच्छा कहा कि पढ़े लिखे होकर के भी आप ऐसा करते हो शोभा नहीं देती। देख छोटा होकर के कि कैसे काम कर रहा है, और तुम सो क्या लोग क्या कहेंगे बताओ? हम कहते हैं तो पसीना आता है, और साथी संगाती क्या कहेंगे? अरे भैया हम तो गधे के साथ रहना नहीं चाहते, हम समझते थे घोड़े के हो, ये घोड़ा तो है ही नहीं, ये तो लोग कहेंगे ये कौन से गधे के साथ आ गए हो, उसको तो नहीं कहेंगे, आपको तो कह सकते हैं। तो आप उसका उत्तर क्या दोगे? मित्र है, मित्र वही होता है जो अपने मित्र को कान खींच सकता है, हर व्यक्ति को कान वो खींच नहीं सकता। जिस दिन मित्र का कान खींचना आपके लिए बुरा लगा तो वह मित्र नहीं और आप भी मित्र नहीं, ये फालतू की बात है। हाँ हाँ ये सब मालूम है, विवेकानंद जी ऐसे बहुत हुए, ही नहीं फिर निर्वेक होना चाहिए, और हम डालते जा रहे हैं उसमें नीर और विवेक तो रखो। दूध में पानी मिलाना अथवा पानी में थोड़ा सा दूध मिलाना कौन सा है? दोनों एक ही है, बोलो हाँ, मतलब बहुत अलग अलग है। आज बाजार में ये हो रहा, पैक होकर के आते हैं फिर बाद में देखते हैं पानी के सिवा और कुछ मिलता ही नहीं। पानी में दूध क्यों डाला? दूध से भी ज्यादा महंगा हो गया, नगर पालिका टैक्स लगने लगा पानी, इसलिए इतना पानी हमने डाला उसका तो चाहिए तो सही, टैक्स तो देना पड़ेगा। इसलिए और दूसरी बात है, आप लीवर के मरीज हो, आपको दूध तो लेना ही नहीं चाहिए। हम आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, इसलिए एक आध थोड़ी सी धारा भर दी सब काम ठीक हो जाएगा। ये हमारा औषध है आपके लिए, लीवर के लिए। ऐसी बात भी दुनिया में होती रहती है। तो संवेग जिसका टूटता नहीं, इस वेग को संभालना बहुत कठिन होता, और उद्वेग आता है उसके साथ साथ संवेग ही कैसा औषध है, वह सब कुछ ठीक ठाक कर देता। संयम हमारे लिए कहा जाता है, ध्यान रखो वह रात में भी आपके लिए रक्षा करता रहता। आप क्या कितने भी मुनीम जी को रखो उनसे धोखा हो सकता है, लेकिन
सो भी जावा तो भी सपने में भी आ जाए तो भी वह आपकी रक्षा करता रहता, जिसका आपने त्याग किया वह टूटता नहीं। दिन में भी यदि मान लो टूट जाता तो हताश मिच्छा में दुख कराओ करके भाग जाओगे, इतना काम नहीं चलता, उसका तो पहले से टूटा हुआ रहता। बर्तन है लेकिन उसमें एक छेद पड़ गया, अब तो गया, मिट्टी का बर्तन है, अब कुछ नहीं भी कितने भी कर लो क्या करो, अब पानी रुक नहीं सकता, कौन रोक सकता उसको, पहले की बात थी। कई व्यक्तियों के पास घड़े पीतल इत्यादि तांबे के नहीं होते, मान लो गरीब होते हैं और वो मिट्टी के घड़े रहते रखते हैं, और कभी कभी मिट्टी के घड़े में कोई छेद हो गया और छेद को कैसे बंद कर रहे हैं, डांट लगत है तो कपड़े के कुछ ऐसे चिंदी जो होते हैं ना, उनको बाटी बना करके वो भीतर से अथवा बाहर से डालते हैं और भीतर से उसको खींचते हैं, खींचने के ऊपर बिल्कुल वह पैक हो जाता है, फिर पानी भरते हैं तो उसमें से एक बूंदी बाहर, बोलो सुन रहे हो क्या, नहीं हो केवल कपड़ा थोड़ा सा, मतलब सूट के पास एक क्षमता है, रुई डाल दोगे तो नहीं होगा, कि रुई के द्वारा तंतु और तंतु के द्वारा कपड़ा, कपड़े के उपरांत उसको हम बना सकते हैं और डाल सकते हैं। ये संवेग की बात है, ये उपचार की बात है, ये विवेक की बात है, ये सजगता का परिणाम है। और हम दूसरे के लिए तो उपदेश दे सकते हैं, अपने उपदेश अपने लिए जो काम में नहीं लेता तो उसको कभी उद्धार बहुत मुश्किल है। इसलिए संवेग किसी वेग में लिखा होगा ये, और काल के लिए ये कह गया एक महान वैज्ञानिक ने, काल निरपेक्ष भी काम हो सकता है, आइंस्टाइन, उन्हें थोड़ा सा जैन सिद्धांत को पढ़ना चाहिए था, संभव है पढ़ भी लिया हो लेकिन इसका अर्थ वो नहीं निकाल पाए। काल नहीं भागता, भागने वाला भगाने वाला ड्राइवर होता है। एक घंटे में 100 किलोमीटर हो सकता है तो वह पौन घंटे में भी 100 किलोमीटर रफ्तार कर सकता है, इतनी उसकी योग्यता है उस गाड़ी के पास। लेकिन इस योग्यता का उपयोग करने वाला व्यक्ति इतने जोरदार होता है कि उसकी आंखों की टिमकार भी उसके लिए बाधक हो सकता है। एक बार धक्की लगी गई, रात में ड्राइवरों की गति क्या होती है, जो व्यक्ति दिन और रात में ड्राइवर के माध्यम से ले लो चाय पी लो लग लो कोई बात नहीं, हम तो कोई बाधा नहीं, जैसे आपका हो, लेकिन झपकी आ गए तो आपके ऊपर आधारित, कैसे आ सकते झपके, हमें तो मालूम है जो चाय पीता है उसको झपके नहीं आते। हाओ किसने हम देखे और एक टक लगा करके उसकी एक सीमा होती है। बाहुबली के सामने भरत के तो हार होगी ही, क्योंकि
इनकी लंबाई ज्यादा थी, उनकी कम थी। ये अपने सावधान नहीं साहिवान के माध्यम से भरत को हरा सकते, हरा दिया। नेत्र दृष्टि में भी, नेत्र युद्ध में भी हार गए। उन्होंने सोचा कि इनको मैं हरा दूंगा, मैं चक्रवर्ती हूं। ये मालूम नहीं था उनको कि सवा 500 वाले हैं। ये हो गया, उनको यह मालूम करना चाहिए कि वेग के सामने काल को आप थोड़ा सा कम महत्व दे सकते, लेकिन काल के बिना परत्वा परत्वे च वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। ये काल का अनुग्रह है, उसमें गति बढ़ाना और गति कम करना, तो यह चलाने वालों के ऊपर आधारित है। काल के बिना कोई भी क्रिया नहीं हो सकती, ये जैनाचार्यों का कहना है। तो उस काल के द्वारा काम ले रहे हो मोक्ष मार्ग में, उद्वेग और निर्वेग, उद्वेग और कौन सा आवेग, आवेग में आ गया। वेग तो चाहिए, बिजुली धातु से वेग शब्द की निष्पत्ति होती है। आ उपसर लग सकता, सम उपसर लग सकता है और उद उपसर लग सकता है। समय पर इसका काम लेना आवश्यक है। जब वह मंद गति से चलता है परमाणु, तो एक समय में आकाश के एक प्रदेश को लांघता है, किंतु जब वह एक समय में 14 राज्य को पार कर लेता है, तो वो गति कहां से आ गई? उसके पास क्षमता थी, इसलिए काल के बिना यह नहीं होता। खंडानम पुद्गलानम तो काल करना दो, पुद्गलों में इस प्रकार के कम वैसे वेग जो आते हैं वह पुद्गल के कारण इस प्रकार, काल के कारण इस प्रकार होता। काल में यह क्षमता है, लेकिन एक सेकंड भी इसके लिए पर्याप्त है, 14 राज्यों को भी पार कर सकता। काल के बिना यह काम नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने लिख दिया काल निरपेक्ष में काम होते हैं। नहीं, वेग बढ़ा दो, मोक्ष मार्ग में आप वेग बढ़ा सकते हो, कम पेट्रोल में भी जा सकते हैं, दुगुना पेट्रोल भी खर्च कर लो तो भी आप नहीं जा पाओगे। कुशलता तो यही है, कम पेट्रोल में हम आगे बढ़े तब ये काम हो सकता है। हम बहुत विलंब करते हैं, विलंब उतावली की अपेक्षा से कर सकते हो आप, किंतु काम करने की अपेक्षा से एकदम अलर्ट हो जाओ। थका हुआ मुंधा हुआ व्यक्ति ड्राइवर बनाओ उसको, तो वो भी जाएगा आप भी जाएंगे, यात्रा भी यहीं के यहीं रह जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है, मोक्ष मार्ग में आपको ब्रेक लगाना आना चाहिए, और ब्रेक भी यहाँ से आए और सड़क को भी घसीटता हुआ चला गया तो आपको वो भी भरना पड़ेगा पैसा। कौन इसको हानि को सहन करेगा? ऐसे लगा विदेशों में इसलिए गति कोई कम के साथ चलता है। एक सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? और यहाँ पर ज्यादा गति रखते हैं, ये पकड़ो उसको, चार चार व्यक्ति एक बाइसिकल पर चलते उड़ा, पुलिस पकड़ लेती। हाँ, लेकिन वहां पर इतना रास्ता व्यस्त रहता है, कितनी वेग यदि है गाड़ी में तो ले आओ,
यदि आप ऐसी गाड़ी को ले जाते हो, कैसी गाड़ी को ले जाते हो बोलो? सुनो, आप नहीं बता सकोगे, क्या बताना। वह गाड़ी में हम बैठ जाते हैं, कैसी गाड़ी में? ब्रेक को छोड़ करके सब लगता है, और हॉर्न को छोड़ करके सब बजता है। अब कैसी यात्रा होगी हमारे? धूल खाते जाओ, नहीं सुनती? स्नान तो हो ही जाएगा, और सुनते हैं आरोग्य के कि धूल के द्वारा स्नान करना बहुत अच्छा। कब कहा है, क्या कहा है, क्यों कहा, ये नहीं पूछते आप। ऐसी गाड़ी में बैठ करके बचत, आप ही बच नहीं पाओगे, तो बचत राशि किसके लिए दोगे मुझे बताओ। तो इसलिए संयम के विषय में मैं ज्यादा क्या बोलूं, इसकी गाथा बहुत लंबी चौड़ी है, इसको गौण करना ठीक नहीं। इसलिए जितनी वेग वाली गाड़ी होती है उतनी ही शून्य में परिवर्तित हो जाते हैं। आप रेल के डिब्बे को गिन सकते हो, 50-60 यदि किलोमीटर की रफ्तार तक है तो, किंतु इसके ऊपर जाएंगे तो आप खिड़कियों को भी नहीं गिन सकते हैं और डिब्बों को भी नहीं गिन सकते। हाँ, राजधानी एक्सप्रेस वो फिर तो देखो क्या होता है, और आप उसको देखना चाहोगे तो गर्दन लचक जाएगा, आप उसको देख नहीं सकते। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर यात्रा करने वाले भी ऐसे होते हैं, देखते देखते कहां पर जाते पता नहीं लगता है, काम की है क्या मतलब? वहां अपने ऊपर आधारित है, फिर ब्रेक लगती भी जाएगी। हाँ, ब्रेक की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं। जब चाहे तभी आप रुक सकते हो, ये होना चाहिए आत्मविश्वास। मतलब ये है कि वो असंयम का पालन नहीं करता, और जितने आप संयम को अच्छे ढंग से पालेंगे आप गिरोगे नहीं। जब बहुत स्पीड दी जाती है, वेग दिया जाता है, उस समय वह गाड़ी गिरती नहीं। जब धीरे धीरे चलती है तो गिर जाता है, बहुत जल्दी वह पार हो जाता है। 4-5 व्यक्ति सामने से आ रहे हो, वो पहले से एंगल बना देता है और उसी में से निकल जाता है, उन लोगों को भी मालूम नहीं था। यह आपके कुशलता है, करने के लिए जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारे कहने से नहीं करना है, ये पक्का है, आत्मविश्वास की बात है। तो ऐसा सम्यक और निर्वेग तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए कारण बताया है, सम्यक भाव। और अभीक्षण ज्ञानोपयोग तो आप पकड़ लेते हो, लेकिन सम्यक को नहीं पकड़ पाते। वो द्विवचनांश दिया है, अभीक्षण ज्ञानोपयोग के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो होता है, लेकिन वहां सम्यक के साथ होना चाहिए, तभी एक कार्य कर सकता है। तो बिरले ही व्यक्ति
तीर्थंकर प्रकृति के बंद कर लेते हैं और वो ऐसी गाड़ी में चलते हैं, ऐसी गाड़ी में चलते समझे। और आप तो यूं ही गाड़ी में चलते हो, ढकलते ढकलते हुए चलोगे तो आपका क्या होगा। अब क्या बताएं हम, संयम के दिन बताना था तो यही, यदि मान लो आपके लिए बहुत हो रहा हो तो हम बंद भी कर सकते हैं, लेकिन संयम नहीं बंद करेंगे हम। हाँ, आपको संयम के बारे में गाथा खूब मिलेगी और इन गाथाओं को आप रट करके पी लोगे तो भी वह आपके जीवन के हार नहीं बनेगी, श्रृंगार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसके अनुरूप आपका आचरण नहीं है। बिल्कुल, हम नीचे से नहीं चलते, वायुयान से चलते। वायुयान के लिए कोई लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, दिशा बोध यंत्र रहता उसमें और वहां अनिमेष चलता है। अनिमेष चलता है, इधर उधर की वह आवाज नहीं सुनता, किंतु वह एकमात्र आवाज बंद करते हुए एक 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 सेकंड के जितने पार्ट होते हैं उसमें भी वह निगाह रखता है। 10 वर्ष का एक प्रकार से काम हो गया उनका तो फिर वो कह देते हैं आपके लिए यह अब छोड़ना है, दूसरे काम में आपको लगा देंगे, आपकी आंखों की ज्योति अब इसके योग्य। और आप तो चश्मा लगा करके ही देख रहे हैं तो क्या न आपकी बचत होगी, रक्षा होगी, न ही बेचने वालों की। तो क्या बताएं, बता फिर भी कोई घटना घटती है तो आप ऊपर से नीचे उतरने के लिए साधन दिया जाता है, धैर्य हो तो ले लो, ये तो हार्ट की बीमारी है तो नीचे तक जाने की कोई आवश्यकता, बीच में ही सभी हो जाएगा। कौन सा चाहते हो बता। असंयम के काल में यदि आपकी मृत्यु हो गई, कहाँ जाना, कहीं भी ले जा सकता है वो, आपकी बात नहीं चलेगी, कहीं भी ले जा सकता। संयम के यदि मारना है, आगम में लिखा हुआ संयम मारना में मृत्यु नहीं है, क्योंकि वहां पर असावधानी नहीं होती, आयु की उधेड़ना भी छठे गुणस्थान तक हो सकती है, अप्रमत्त अवस्था में उधेड़ना भी नहीं बताए, उदय रहना अलग वस्तु। इस प्रकार हम इस संयम की महिमा के बारे में, संयम कभी भी यदि आपको सदगति मुक्ति की ओर नहीं भी ले जाता है, ये आपकी कमजोरी है, आपको वह उस स्थान तक ले जाएगा, एक अनुभव में आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी, किंतु अकेले सम्यक दर्शन के साथ चलोगे चारों गति में आपको वह ले जा सकता। हाँ, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, बदल दोगे, बदल नहीं सकते। कोई भी आयु बंद चाहता है तो उसका परिवर्तन संभव नहीं, गठन बढ़न तो हो सकता, परिवर्तन संभव नहीं। इसलिए रात में भी उसको जो का त्यों बनाए रखता है संयम, और वह अन्य गति में भी संयम ज्ञान को वहां पर भी आपके लिए काम कराएगा। ज्ञान वहां पर भी जाकर के काम करता है जिसने संयम की आराधना के साथ ज्ञान अर्जन किया है।
ऐसा संयम का जो कि दस लक्षण धर्म में सर्वोपरि स्थान है आज हुआ, कल सत्य के बारे में हम सोचेंगे। अहिंसा परमो आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की स्वात्मों पर अपने चिंता मनो चिंतित वस्तु जाने पामंद मानस।